टूडेज टॉपिक क्वेश्चन नंबर 4.4, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान के लाभ लिखिए। आंसर, एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि स्तनपान के क्या लाभ होते हैं, चलिए जानते हैं। एडवांटेजेस टू मदर्स, माता को लाभ, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग से माता को, मदर को क्या लाभ है। फर्स्ट, एक सरल एवं सुविधाजनक विधि होती है। जी हाँ, ये एक बिल्कुल इजी मेथड होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। मदर एंड बेबी के बीच जो बाउंडिंग होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है तथा मदर में मदरहुड और कॉन्फिडेंस की इमोशन बढ़ जाता, आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। ये समय और धन की बचत में सहयोगी होता है। ये एक प्रकार का नेचुरल कंट्रासेप्टिव की भूमिका निभाता है। मतलब वह मदर या वह फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उन्हें कंट्रासेप्टिव विधियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गर्भ निरोधक विधियों को अपनाने की ज़रूरत नहीं होती है, या प्रसूति के बाद प्रजनन अंगों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को उनकी स्थिति में पुनः स्थापित करने में सहायता होता है। जी हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने से उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या बॉडी के और भी कोई ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या मदर और बच्चे दोनों के लिए ही सुरक्षित विधि होती है, या माँ में स्तन कैंसर होने की रोकथाम का उपाय भी होता है। एडवांटेज टू द न्यूबॉर्न, चलिए अब देखते हैं न्यूबॉर्न को क्या क्या एडवांटेज मिलता है फीडिंग करने से। फर्स्ट, यानी कि मदर का जो मिल्क होता है वो इन्फेंट यानी कि बेबी के लिए फिजिकल और मेंटल नीड के अनुरूप उपयुक्त होता है। ये इन्फेंट को कम्प्लीटली आहार प्रोवाइड कराता है, यानी कम्प्लीटली न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। इससे शिशु की आवश्यकता अनुसार पूर्ण पोषण प्रदान किया जाता है, यानी कि जो इन्फेंट होता है उसको पूरी तरह से न्यूट्रिशन मिल जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। ये ईजली डाइजेस्ट हो जाता है। ये इन्फेंट्स को विभिन्न, मतलब जो इन्फेंट्स मदर का कि ब्रेस्ट से फीडिंग करता है उसको बहुत सारे जो है डिजीज़ होने से, एलर्जी से क्या होता है, सिक्योर रखा जा सकता है, क्योंकि माँ के दूध में कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा होता है। जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रॉम होता है, यानी कोलेस्ट्रॉम, और ये प्रसव यानी कि जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके 3 दिनों तक सिक्रेट होता है, और ये सिक्रेट होने को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और ये डार्क पीले कलर का होता है, और इसमें रक्षात्मक पदार्थ जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह, माइक्रोफेजेस एसेट्रा, और ये जो क्या होता है ये फैट, मतलब फैट स्लोबल विटामिन होता है। इसमें ए डी ई और के की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है। स्तनपान शिशु के, जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के माइंड को डेवलप करता है और उसमें सुरक्षात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है। स्तनपान कराने वाले शिशुओं में मेंटली, मानसिक एवं भावनात्मक विकार नहीं पाए जाते। जी हाँ, उनके अंदर डिजीज़ नहीं होती है। और ट्रांसमिशनल मिल्क होता है, मैच्योर मिल्क होता है, प्री मैच्योर मिल्क होता है, फॉर मिल्क होता है, हिंड मिल्क होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।